हॉस्टल वाले में कंप्यूटर के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्टल वाले में शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्च इंजन। आप सभी को मालूम है गूगल यानी कि सर्च इंजन से हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आज के इस प्रश्न यानी कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा, देख पा रहे होंगे हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ एक बात और याद रखना, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, साथ ही कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। ये जो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सर्च इंजन से, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन मात्र, इतना पढ़ लीजिएगा आपके 50 क्वेश्चन के लगभग बराबर है और यहाँ से एक नया क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं 15 से 20 क्वेश्चन मात्र, आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताऊंगा और पूरा इसका थ्योरी भी बताऊंगा कि कहां से और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो वीडियो को क्या करो, एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करना है और शेयर तो करना ही है, ठीक। यूट्यूब पर बिल्कुल वीडियो फ्री है और मेंबरशिप में 499 रुपए का कोर्स है, परचेस कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जिनको मालूम है, अन्यथा आप आंसर देखते चलिएगा। हाँ और वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा, ठीक है, आपका ऐसे क्वेश्चन बन। तो निम्नलिखित में से मतलब ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए यांडेक्स, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन डी बैदू, ऑप्शन डी गूगल या ऑप्शन ई है सफारी। तो इसका आंसर कौन सा होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका बिंग। कौन सा होगा, बिंग यानी कि सेकंड नंबर। अब इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले होता क्या है, यांडेक्स को देख लीजिएगा। यांडेक्स एक बहुअंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि इंटरनेट से संबंधित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है यांडेक्स, उत्पाद और सेवा प्रदान करती है। इसका आपको मैं पूरा का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है सर्च इंजन इंफॉर्मेशन सर्विस, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैप और नेविगेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन बिंग, ये सभी आपके सर्च, ठीक। अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग को ऑन और उसे रन करता है जिसे ज्यादातर लोग बिंग कहते हैं, ठीक। एग्जाम में पूछा जाता है सर्विस माइक्रोसॉफ्ट के पहले सर्च इंजन जैसे एमएसएन, विंडोज लाइव सर्च लाइव से विकसित हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे क्लासेस चल रही है वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएंगे, पूरा आपको थ्योरी के साथ बताते चलूँ। जैसे बिंग कई अलग अलग प्रकार के सर्च सर्विस प्रदान करता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे वेब, वीडियो, इमेज, मैप, इसे एसपी नेट के साथ बनाया गया। बस इतना टॉपिक पढ़ लो मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि लगभग आपके 50 से 60 प्रश्न के बराबर है और यहाँ से एक नए क्वेश्चन आएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे व्यापम, चाहे पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक। अब बैदू कहाँ से प्राप्त होगा, चीन से। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि बैदू कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कौन से कंपनी है, तो चीन, बस इतना याद है ये बात, चीन से बैदू, चीन, ठीक। गूगल क्या है, तो गूगल गूगल एक सर्च इंजन है, आप सभी को मालूम है। गूगल से हम कुछ भी सर्च करके हम प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, इमेज, है ना, फाइल वगैरह, जो भी आप वेब पेज खोजने के लिए, वेब को स्कैन करने के लिए टाइप कर सकते हैं गूगल से, ठीक, यही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी आपको बताया था, बी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सर्च इंजन का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब याद रखना कि सर्च इंजन नहीं है, जब आपको सर्च इंजन मालूम होगा तब इसमें आप आसानी से इसका आंसर ले सकते हैं, तो देखेंगे, ठीक। तो सर्च इंजन कौन कौन सा है तो आप लोग नोट करते चलेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आपको मालूम है कि कौन सा सर्च इंजन है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन, तो याद रखो, नोट कीजिएगा आप फटाफट, कॉपी में नोट करते चलेंगे सर्च इंजन क्या क्या है, जिसको स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक।
तो सर्च इंजन कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। बिंग, ठीक, जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलेंगे, सर्च इंजन बस याद रखना है आप, ठीक। गूगल, याहू, बिंग और MSN, MSN, बस इतना टॉपिक, ये चार टॉपिक याद कर लो, कोई भी एग्जाम में आएगा सर्च इंजन से टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, ठीक। वीडियो को क्या करो, फटाफट लाइक करो, वीडियो को लाइक करना है, हम आप सभी के लिए इतना मेहनत से टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सर्च इंजन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, हर एक एग्जाम में आता है, हर पेपर में आता है, ठीक। तो याद रख लो कौन कौन से सर्च इंजन है, अब यहाँ तक इतना बस याद रखो, आप आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। अब क्या पूछा गया यहाँ पे कि सर्च इंजन नहीं है, अब पूछा गया गूगल दिया है, बिल्कुल सही, याहू है, बिल्कुल, बिंग है, बी, MSN इसमें नहीं दिया है, और यहाँ पर कौन कौन, चारों ऑप्शन सर्च इंजन है। अब यहाँ पर क्रोम दिया है, क्रोम क्या है, सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक ब्राउजर है, याद रख, क्रोम क्या है, ब्राउजर है, ठीक, याद रख, नोट कर लीजिएगा, क्रोम क्या है, ब्राउजर, कोई डिटेल आपको नहीं बताएगा, मैं आपको पूरा कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो वीडियो को क्या करो, पहले तो लाइक करो वीडियो, ठीक, बाकी क्लास आप देखना, पहले वीडियो को लाइक करो, ठीक। वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताएं, देखेंगे क्रोम इसका उत्तर सही है। ये की पॉइंट, की पॉइंट का मतलब मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा की पॉइंट होता क्या है। तो क्रोम देखिए, क्रोम एक खोज इंजन नहीं है, है ना, क्रोम क्या है, खोज इंजन नहीं है, क्योंकि एक वेब ब्राउजर है, मैं आपको बताया अभी क्या है, वेब ब्राउजर है, जो वेब सर्वर पर मौजूद वेब पेज को जानकारी प्राप्त करने या देखने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करता है, ठीक। अब देखेंगे, देखिए सबसे लोकप्रिय खोज इंजन गूगल, बी, याहू और एक और चीज यहाँ पर छूट गया है, MSN, ये सभी सर्च इंजन, ठीक। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, अब खोज इंजन नहीं है, अभी मैं आपको बताया, बी, गूगल और याहू क्या है, खोज इंजन है, जबकि विंडोज क्या है, खोज नहीं है, विंडो क्या है, सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख बिंदु जो नोट करते चलेंगे, सर्च इंजन, इंजन इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में आप याद रखना, सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल है, वर्तमान में सबसे ज्यादा सर्च किससे किए जाते हैं, गूगल से, कभी सुने हो, बिंग से, याहू से आप सर्च करते सुने हो कभी, नहीं सुने ना, ये सबसे ज्यादा गूगल उसमें सर्च किया जाता है, कुछ भी इमेज, वीडियो, फोटो, जो भी आप सर्च करो, है ना, डॉक्यूमेंट सब, ठीक। सबसे प्रसिद्ध इंजन आपका सर्च इंजन गूगल है, और लोकप्रिय सर्च इंजन में AOL, आस, बेडू, डक डक गो, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है, ठीक, डक डक गो, बैडू, अस्क डॉट कॉम, AOL, ये सभी सर्च इंजन है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन पूछा जाए तो गूगल है, ठीक। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है, अब मैं आपको बताया भी कि कौन कौन सा सर्च इंजन है और कौन कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो देखेंगे गूगल सर्च इंजन है, याहू, बी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, आपका क्रोम, क्रोम क्या है, सर्च इंजन नहीं है, आपका ब्राउजर है, ठीक। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक। चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे व्यापम, PSC, है ना, हौसल बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। की पॉइंट है, मैं आपको बताया था, चलिए निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये बिंग है, ठीक। चलिए सभी टॉपिक हो चुका है, यहां से देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है सर्च इंजन नहीं है, बिंग क्या है एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, जबकि ओपेरा क्या है सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, याद रखा नहीं है, ठीक, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, नहीं है, ठीक। उत्तर क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, ओपेरा है ना, तो ओपेरा क्या है एक सर्च इंजन नहीं है, प्रोग्राम का सर्च इंजन नहीं है, की पॉइंट, ठीक। ओपेरा एक नॉर्वे की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो वेब ब्राउजर विकास, फिजनेट, साथ ही ओपेरा न्यूज और योयो गेम जैसे सेवाओं में माहिर है, ठीक।
बिंग क्या है? अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, 2009 में इसको आरंभ किया गया था। गूगल क्या है? देखेंगे यहाँ पर गूगल, ये ऑप्शन देख पा रहे हो कि ये आपको गूगल है, ठीक, आपको डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। गूगल इन्हीं को आधारित पर 1998 में लैरी पेज और सगाई ब्रिन द्वारा सर्च का विपणन करने के लिए आरंभ किया था। अब गूगल की खोज किसने की थी? तो लैरी पेज या सगाई ब्रिन, है ना, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, याद रखना। और एक आप जो टू दिया उसमें लगा सकते हो, ठीक, ये आपका सर्च इंजन है। गूगल से सबसे ज्यादा सर्च करने वाला, सबसे ज्यादा, याद रखना इसको, ठीक। गूगल, याहू एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च प्रदाता, 2009 में माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च का प्रणाम करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन 7, सर्च इंजन की एक क्रमबद्ध सूची है, क्या है? चलिए, ऑर्डरेट लिस्ट, उत्तर निर्देशिका, वेब पेज या नेटवर्क, क्या होगा? देखिए, सर्च इंजन में क्या क्रमबद्धति सूची, ऐसा कौन सा है जो हम क्रमबद्ध सूची में सर्च कर सकते हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आपका तीसरा होगा, वेब पेज। वेब पेज, ठीक, नोट करेंगे, वेब पेज। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। वीडियो को सबसे पहले लाइक अवश्य कीजिएगा ऐसे वीडियो पर। अब की पॉइंट देखेंगे, सर्च इंजन एक वेब पर आधारित उपक्रम है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब, आप देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है www, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। सर्च इंजन के लोकप्रिय गूगल, मैं आपको बताया था गूगल, याहू, एमएसएन क्या है? सर्च इंजन है। जबकि सर्च इंजन स्वचालित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे रोबोट बॉट या स्पाइडर भी कहा जाता है। पृष्ठ से पृष्ठ तक, साइट से साइट तक लिंक का अनुसरण करके वेब के साथ उनका स्पाइडर द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को उपयोग वेब की खोज के लिए अनुक्रमित बनाया। यहाँ पर समझ में आपको की पॉइंट है, याद रखना। क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, जाके आप जुड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो ओपेरा, ठीक, बिंग। देखिए बिंग कहाँ से लिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, बिंग क्या है? चीन से प्राप्त किया गया, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिंग अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, 2009 में आरंभ किया गया था, ठीक। गूगल को मैंने आपको बता दिया, याहू भी बता दिया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 9, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम वेबसाइट में, वेब पेज में और इंटरनेट फाइल को खोजने के लिए करते हैं, क्या होगा? सभी को मालूम है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम वेबसाइट, वेब पेज और इंटरनेट फाइल को खोजने के लिए करते हैं? ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और वर्ल्ड वेब सर्च। और ऑपरेटिंग सिस्टम से कल क्लास रहेगी, कल ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लास रहेगा, है ना, वहां से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, किसमें लागू है किसमें नहीं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से, कल 2 से 3 नंबर वहां से पूछा जाता है डायरेक्ट। इसका आंसर होगा सर्च इंजन, ठीक, क्या होगा? सर्च, ठीक, उत्तर सही है। यहाँ पर देखें, आप देखेंगे कि पॉइंट क्या है, तो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सर्च इंजन कहा जाता है जिसका उपयोग आप वेबसाइट, वेब पेज और इंटरनेट फाइल को खोजने के लिए करते हैं, यह आपका सबसे बड़ा की पॉइंट है, याद रखना। उस सॉफ्टवेयर को सर्च इंजन कहा जाता है जिसका उपयोग आप वेबसाइट, वेब पेज और इंटरनेट फाइल को खोजने के लिए करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है, क्या बोल रहे हैं? विशेष प्रकार जो उपयोगकर्ताओं को अन्य वेबसाइट से वेब पेज खोजने में मदद करता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखेंगे, ब्राउजर, ब्राउजर वेब सर्वर पर मौजूद पेज से जानकारी को पुनः फिर से प्राप्त करने और देखने के लिए वे सर्च इंजन को उपयोग करते हैं। दूसरा बात, वेब ब्राउजर का उद्देश्य सर्वर उपयोगकर्ता है आपका ओआरएल, यानी कि यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। मैं बात करूं व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वेब ब्राउजर हैं जिसमें मोजिला,
फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यह टॉपिक इस पॉइंट को बार बार याद कर लीजिएगा। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वेब ब्राउज़र, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख वेब मतलब वेब ब्राउजर में इसे शामिल नहीं किया गया है, इसमें क्या आएगा? मोजिला, फायरफॉक्स, नेटस्केप और गूगल, इसको व्यापक रूप से वेब ब्राउजर में शामिल किया गया है, नहीं किया गया, एग्जाम में पूछ सकता है, देख लीजिएगा। सर्च इंजन, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन, जैसे आप प्रसिद्ध सर्च इंजन, देखिए एक डाटाबेस होता है तो इसको याद रखना, प्रसिद्ध सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन सा है? तो गूगल, याहू, बी, डक गो, बैतू, इंटरनेट एक्सप्लोर, बस इतना है आपको, बस इतना टॉपिक याद करो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना, यही से क्वेश्चन आ गया, नहीं छूटेगा, बस इतना पढ़। प्रसिद्ध सर्च इंजन के उदाहरण इसमें किसे शामिल नहीं किया गया, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, तो क्या कहेगा? गूगल, याहू, बी, डक गो, बैतू, इंटरनेट एक्सप्लोर, बस इतना पढ़, बाकी ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब देखेंगे, बिंग सर्च इंजन खालिद खान के स्वामित्व में एग्जाम में पूछा गया था। बिंग सर्च इंजन के उपयोग में क्या स्वामित्व? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, अमेजॉन क्या है? कुछ खरीदने का है, ठीक, एक वेबसाइट है, लेकिन स्वामित्व में है माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। एक पॉइंट क्या है? एक खोज इंजन ऐसी सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी सामग्री पढ़ने में अनुमति देते हैं, जैसे आउटपुट, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि के रूप में हो सकता है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में बिंग को लॉन्च किया गया था, इसका उत्तर सही है, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फिर ये देखो, क्रोम सर्च इंजन नहीं है, है ना? ये मैं लॉन्च किया गया था बिंग, वही बार बार पूछा गया है, वही वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम। सर्च इंजन निर्देशिका की एक क्रमबद्ध सूची है, असत्य। वेब पेज होता है जी, इसका उत्तर वेब पेज, ठीक। जब सर्च इंजन रहेगा तो उसे क्रमबद्ध सूची निर्देशिका नहीं है, वेब पेज है, वेब पेज। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सर्च इंजन वेब पेज का एक क्रमबद्ध सूची है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये नहीं आएगा, ठीक, असत्य है। अगर वेब पेज दिया रहता तो सत्य लेते, ठीक। जो जो टॉपिक पूछा गया उसको छोड़ रहा हूँ, ये देखो इसको याद रखना। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन AOL, अस्क, बैदू, डक डक गो और याहू और गूगल, पर सबसे पहले में गूगल आएगा, ठीक। तो कंप्यूटर के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन के लगभग बराबर था। हॉस्टल वाड़ाना का नोट करेंगे, हॉस्टल वाड़ाना में आप मैथ्स की क्लास प्रारंभ करेंगे कुछ दिनों बाद, जब आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, और क्या क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण, क्षेत्रफल, एरिया, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, आयतन, घन, घनाभ, है ना, वहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका ये रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, साथ ही आपका चाल, समय, दूरी याद रखना, चाल, समय, दूरी, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब पढ़ के रखना, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और आपके वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं उसको, कंपाउंड डिस्टेंस तो आपको बताया ना, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, बस इतना टॉपिक पढ़ना है ना, कल नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे मैथ्स का, ठीक। तो देखेंगे, मैं सिलेबस के तौर पर अगर आपको बताना चाहूँगा, जिसमें आपका देखेंगे कंप्यूटर में जिसको सिलेबस मालूम नहीं है, तो कंप्यूटर का आपका 30 नंबर, मैथ्स का आपका 25, छत्तीसगढ़ का 5 नंबर, ठीक, और क्या है आपका बाल मनोविज्ञान, वो भी क्लास चल रही है, जाके प्लेलिस्ट पर देखिएगा, 10 नंबर के प्रश्न, और सामान्य ज्ञान आपका 15 नंबर का, और 5 नंबर आपका करंट अफेयर,
और आपको कौन सा बच गया, इंग्लिश और हिंदी 55 नंबर, टोटल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्ड। ठीक, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, तो ये कल क्लासेस हम करेंगे, आज के लिए फिर इतना ही, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।